तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे कीर्ति मैंने पहली बार अपने और एलवी साधो के रिलेशन के बारे में ओपन बातें करी है, जहाँ पर उन्होंने अपने और एलवी साधो के रिलेशन के बारे में बहुत सारी चीजों को रिवील की है। बट गाइज, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एलवी साधो, मनीषा रानी और जिया शंकर ये तीनों नॉमिनेट हो चुके। तो यहाँ पे किनको कितनी वोट मिली और किसी बिग बॉस के घर से बाहर जाना होगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे एलवी साधो को 13,23,000 और मनीषा रानी को 10,05,000 वोट मिली है, और वहीं पे जिया शंकर को सबसे कम वोट मिली है, 5,12,000। तो गाइज, यहाँ पे आज शायद से जिया शंकर को बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में आप लोग का अपना क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एलवी साधो और कीर्ति मेहरा को लेकर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एलवी साधो कीर्ति मेहरा एक टाइम पे दोनों रिलेशनशिप में थे एंड दोनों साथ में वीडियोस भी बनाया करते थे। देन फिर किसी रीजन की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गई। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वीडियोस में काम करना भी बंद कर दिए। बट ऑडियंस को दोनों को साथ में देखने की आदत हो गई थी, जिसके कारण लोग हमेशा एलवी कीर्ति को लेकर कमेंट्स करते रहते थे। और इस चीज पे ना तो अभी तक एलवी साधो ने रिप्लाई करी थी और ना ही कीर्ति मेहरा। बट अभी यहां पे कीर्ति मेहरा का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, जहां पर उन्होंने अपने और एलवी साधो की ब्रेकअप को लेकर खुल के बातें करी है। मैं सपोर्ट तो कर रही हूं, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती। सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। मैंने तो आके सबको बोला है हाँ था। जो बिग बॉस में के आई जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई किल्विश क्यों बोला उसने के आई ऐसे, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया, और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है क्यों है। तो बाकी गाइस, यहां पे आप लोग एलवी साधो और कीर्ति मेहरा को लेकर क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा। और गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या एलवी साधो और कीर्ति मेहरा कभी साथ में दिख सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों का क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।